ठीक है, तो आज के क्लास के मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके, आप लोग को पैसेज दिखाई दे रही है। नहीं। मुझे स्क्रीन शेयर की परमिशन चाहिए होगी। अब दिख रही है? या ओके, सो अभी 6:05 हो रहा है। 6:15 तक आप लोगों को पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जल्दी से पढ़ने का। 6:15 पे हम क्वेश्चंस पर चल रहे जो हैं। क्वेश्चन है,
पास 5 मिनट और है। अगर पढ़ना हो जाए तो चैट बॉक्स पर। ओके 2 मिनट, 2 मिनट में सबके सबका पैसेज पढ़ना खत्म हो जाना चाहिए। ये सबका पैसेज हो गया। WEF यानी कि विथ इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है, कम इनटू फोर्स, ये कई जगह यूज किया जाता है। WEF मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब वो लॉ जो है उसे पास किया गया था 2015 में, पर वो इंटू फोर्स आई इस डेट पे, तो इस डेट के बाद से जो भी चीजें इस लॉ के खिलाफ जा रही है वो गलत है। आयुष, ये सब केसेस जो है ना, ये करप्शन से रिलेटेड केसेस है, ठीक है? तो मैं HSBC और ICIG केसेस के बारे में तो कुछ जानती नहीं, पर ये जो पनामा पेपर्स है जैसे, वो सब गवर्नमेंट की स्कैम्स है बेसिकली, ठीक है? तो गवर्नमेंट और उसको छोड़ के भी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्कैम्स है। तो ये बस इतना बताना चाह रहे हैं कि जब जब ऐसी स्कैम्स या ऐसी करप्ट चीजें
बाहर आई है, तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि वो प्रोएक्टिवली और इफेक्टिवली, यानी कि ऐसे स्टेप्स ले जो जिससे कि इस इशू को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कोशिश कीजिए 2 मिनट के अंदर आंसर्स देने की। क्वेश्चन और ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर करते टाइम पैसेज को ध्यान में रखिएगा। कॉग्निशंस मान यानी कि कोर्ट अपने आप से उस ऑफेंस यानी कि जो क्राइम हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करे या उस पर ध्यान दे। जब कोर्ट खुद से उस क्राइम को देखता है और फिर सोचता है कि उसे किस तरह से एड्रेस किया जा सके। और इसकी डिक्शनरी मीनिंग है द एक्शन ऑफ टेकिंग जुडिशियल नोटिस। यानी जब कोर्ट किसी चीज को नोटिस करता है, किसी क्राइम को नोटिस करता है और उसे एड्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसमें हम एक लैटिन मैक्सिम भी सीखते हैं, टूओ मोटू। ठीक है, टूओ मोटू का मतलब कोई जानता है? टूओ मोटू ऐसा एक्शन होता है। यस, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पहले तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं कि उनके बारे में पैसेज में कुछ लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो चार्जशीट के बारे में कुछ लिखा नहीं है पैसेज में। ऑप्शन बी में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उन्होंने लोगों की ट्रस्ट को वायलेट किया, ये भी हमें पैसेज में कहीं मिल नहीं रहा। फिर ऑप्शन सी कह रही है कि ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग अच्छी होती है, तो ये जो बात है ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि कोर्ट को इस बात का पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये चीजें जरूरी होती है जो हम अग्री नहीं कर सकते। तो सबसे सही ऑप्शन डी होगा, पर एक चीज ध्यान में रखिए, ऑप्शन डी सही तो है पर उसके बारे में भी कुछ ज्यादा पैसेज में कहा नहीं गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेहतर हो सकता था या इसके ऑप्शंस बेहतर हो सकते थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि, और मैं एक्सप्लेन कर रही थी सुओ मोटू क्या होता है। तो सुओ मोटू यानी कि कोर्ट कभी कभी कोई एक्शन लेता है जबकि उसके पास कोई आता नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आप क्या करते हैं, कोर्ट में केस फाइल होती है तभी कोर्ट उस पर सुनवाई करती है, पर कुछ केसेस में कोर्ट अपने आप ही देखती है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रही है और फिर उसे करेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उसे कोर्ट की सुओ मोटो कॉग्निजंस कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होने से पूछ लीजिएगा, हम सेकंड क्वेश्चन पर जा रहे हैं।
यहाँ से हमें और एक लैटिन मैक्सिम मिलता है, ऑडी ऑल्टरिम पार्टिम, ठीक है। इसका मतलब होता है योर द अदर साइड, यानी किसी भी सिचुएशन में कोर्ट अपने आप जजमेंट नहीं पास कर सकता है, ठीक है, बिना दूसरे साइड को, यानी जिसे अक्यूज किया गया है उसे ये ऑप्शन देने की कि वो उसकी बात भी सुनी जाए, ठीक है। तो ये नेचुरल जस्टिस की एक प्रिंसिपल होती है, और इसके लिए जरूरी है कि दूसरी साइड की भी बात सुनी जाए। तो किसी पर कोई भी आरोप लगे, उसके पास ये राइट है कि वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करे कोर्ट में, ठीक है। एक्सचेकर एक तरह का अकाउंटेंट होता है, ठीक है। एक्सचेकर पब्लिक एक्सचेकर यानी कि टैक्स पेयर, ठीक है। तो इधर पब्लिक एक्सचेकर यानी जो अकाउंट्स गवर्नमेंट के अकाउंट्स को संभालता है और टैक्स कलेक्ट करके उसकी अकाउंटिंग करता है। ठीक है, यस करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दो ऑप्शंस कह रही है कि ये प्रोसीडिंग वैलिड है, और ये कह रही है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। पर यहाँ में ये ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन ये नहीं है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं की है। अगर उसने मनी लॉन्ड्रिंग की भी हो तो उसके पास ये राइट है कि वो खुद को जस्टिफाई कर सके, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि प्रोसीडिंग्स वैलिड नहीं है, पर ये वैलिड नहीं है क्योंकि आयुष आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। हाँ, वैलिड ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। वैलिड ऑप्शन को पहले ही हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्लियरली यहाँ प्रोसीडिंग्स वैलिड नहीं। जैसे ही आप सुनते हैं कि कोर्ट ने उन्हें हियरिंग भी नहीं दी, वैसे ही आप
ये समझ लोगे कि ये प्रोसीडिंग्स वैलिड तो बिल्कुल भी नहीं। यस, गुड आयुष। ठीक है, और बी गलत है क्योंकि बी कह रही है कि प्रोसीडिंग्स वैलिड नहीं है, उसकी रीजनिंग बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि बी ये कह रही है कि जो लॉन्ड्रिंग मनिकाम ने की है उससे पब्लिक को नुकसान हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट के जो फंड्स है वो कम हो गए, उसे लॉस आया है, तो ऐसा होने से प्रोसीडिंग्स का कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट। अब हम क्वेश्चन 3 पर जा रहे हैं, ऐसे ही जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। ओके, आंसर दीजिए। ओके गुड, यहाँ भी आंसर ए करेक्ट है। जल्दी जल्दी बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन बी गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसीलिए वो गिल्टी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई 4 बार चोरी कर रहा है तो 5वीं क्राइम के लिए भी वो गिल्टी है। ठीक है, तो किसी के हैबिचुअल ऑफेंडर होने का ये मतलब नहीं है कि वो गिल्टी होगा ही, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर सी में कहा जा रहा है कि वो गिल्टी नहीं है क्योंकि उनकी जो अनऑथराइज पेमेंट्स है वो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में नहीं आते। तो डेफिनेशन क्या दिया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसा होता है कि वो लोग जो इलीगली मिली हुई मिले हुए पैसे होते हैं उनकी आइडेंटिटी को छुपाकर, ठीक है, ऐसा बताना चाहते हैं कि वो किसी लेजिटिमेट सोर्स से आ रही है, किसी सही जगह से आ रही है। अब इन पैसों के सोर्स क्या है? ये है बेटिंग। ठीक है, इलीगल बेटिंग, क्रिकेट बेटिंग ऑपरेशन। तो पहले ही कहा जा रहा है कि पैसों का सोर्स इलीगल है, फिर कहा जा रहा है कि इन पैसों को लेकर वो फूड प्रोड्यूसर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसा ही होता है, इलीगल पैसों को लिया जाता है, उन्हें अकाउंट नहीं करने की जगह उन्हें किसी लेजिटिमेट यानी किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जहाँ जो बिजनेस अपने आप में लीगल हो। ठीक है, और फिर उस बिजनेस में जो कमाई होती है उस कमाई को अकाउंट अकाउंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बिजनेस में जैसे ही वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है वो पैसा ब्लैक से व्हाइट हो जाता है क्योंकि अब उस बिजनेस से जो भी प्रोड्यूस होगा वो लीगल ही तरीके से होगा, पर उसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसे इनिशियली जो आए थे वो इलीगल सोर्स से नहीं आए थे। तो इसको ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो क्लियरली वो गिल्टी थे। और लास्ट में कह रहा है कि एनफोर्समेंट अथॉरिटी गिल्टी है, जो कि बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, आप ये नहीं कह सकते। तो आपने सबने
बहुत जल्दी करेक्ट आंसर दिया, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके फोर्थ क्वेश्चन, क्या लग रहा है आंसर दीजिए आप। आंसर्स ओके तो पहले हम देखते हैं कि ये जिस एक्ट को मेंशन किया गया है उससे रिलेटेड है कि नहीं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट यानी कि फाटका इज अ फेडरल लॉ। फेडरल लॉ यानी कि जो यूएस के सेंटर से आ रहा है। ठीक है, और उसके अंतर्गत क्या करना होता है, ऑल नॉन यूएस कंपनीज यानी जो कंपनीज यूएस में बेस्ड नहीं है, ये पहला रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कंपनी नॉन यूएस होनी, ठीक है, और उन्हें क्या करने की जरूरत है, रिक्वायर्ड टू सर्च द रिकॉर्ड्स फॉर कस्टमर्स विद अ कनेक्शन टू द यूएस। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, कंपनी यूएस की नहीं होनी चाहिए और उन्हें अपने रिकॉर्ड्स को सर्च करके ढूंढना होगा कि उनका कहीं है यूएस से। अब आवाज ठीक है क्या, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? हेलो ठीक है, ठीक है, ओके। तो जिन कंपनीज का यूएस से कोई रिलेशन, जिन कंपनीज जो यूएस बेस्ड नहीं है उन्हें सर्च करना है कि उनके कस्टमर्स या किसी तरीके से उन्हें उनका यूएस से कोई रिलेशन है कि नहीं। अब देखते हैं श्रीनिवासन क्या कर रहे हैं, उसने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज की और रिकॉर्ड्स फॉर्ज की फॉर नॉन एक्सिस्ट द नेम ऑफ नॉन एक्सिस्टिंग कंपनीज इन इंडिया। तो पहला कंडीशन ही नहीं मीट कर रहा क्योंकि यहाँ कोई कंपनी है ही नहीं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि वो लोन लेना चाहते हैं बैंक से, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड्स को फॉर्ज किया। तो इसका यूएस से कोई कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यूएस के लॉज को अप्लाई करने का कोई रीजन नहीं है। तो ऑब्वियसली आंसर या तो बी होगी या डी होगी। ठीक है, अब आंसर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बी ये बता रही है कि जो श्रीनिवासन ने किया है उसे इस एक्ट से नहीं कवर किया जाता है और किसी और एक्ट में कवर किया जाता है। तो यहाँ इस ऑप्शन में यही प्रॉब्लम है कि ये पार्ट तो सही है पर रिकॉर्ड्स
रीजनिंग गलत है, ध्यान दीजिए यहाँ एज लिखा हुआ है, यानी कि कहा जा रहा है कि क्योंकि ये दोनों एक्ट इस जो भी इलीगल काम हुआ है उससे कवर करती है, इसलिए उसे इस लॉ से नहीं कवर किया जा सकता। ठीक है, ये सेंटेंस एकदम ध्यान से पढ़िए। यहाँ लिखा गया है कि ऑफेंस कमिटेड बाय श्रीनिवासन इज नॉट कवर्ड बाय फाटका, ठीक है, एज हिज केस इज कवर्ड अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये कहना चाह रही है कि क्योंकि इसकी केस को कोई और एक्ट के अंतर्गत डाला गया है, इसीलिए इस पर फाटका नहीं लगाया जा सकता। पर जब हम रीजन कर रहे थे तो हमारी रीजनिंग ये नहीं थी, हमारी रीजनिंग क्या थी कि जो एक्ट उसने की है उसका यूएस से कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, तो शायद इसलिए कंफ्यूजिंग रहा होगा क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट है ऑप्शन डी में भी ये फर्स्ट पार्ट होना चाहिए। ठीक है, पर हम यहाँ रीजनिंग देख रहे हैं तो रीजनिंग देखते देखते हुए आंसर डी करेक्ट है। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कोई डाउट होने से पूछ लेना। एक बार ध्यान में रखें कि ये जो क्वेश्चन है ये लीगल रीजनिंग से ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग जैसा लग रहा है, तो आप पढ़ के देखें और एकदम सिंपल लॉजिक अप्लाई कीजिए। ठीक है, और अब आपके आंसर्स आ जाने चाहिए। और कोई ट्राई करेगा? ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हमें एक चीज ध्यान में रखना होगा कि पैसेज एक बहुत स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बात कर रही है। ठीक है, दो चीजें के बारे में बात कर रही है, एक ये जो सॉफ्टवेयर है AEOI, ठीक है, और दूसरी पनामा पेपर्स के जो केस है उसकी बात कर रही है। ठीक है, यहाँ है तो दो चीजें की चीजों की बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये दो चीज एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। तो जिस केस की बात की जा रही है उसमें वो कह रहे हैं कि उस केस में जो इनक्रिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन है,
इनक्रिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि जिस चीज से ये प्रूव हो सकता है कि क्राइम हुई है और दोषी को सजा मिल सकती है, वो किस साल तक अवेलेबल है? 2016 तक. ओके, तो वो जो इंफॉर्मेशन है 2016 के बाद उस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है, और उन्हें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? 2016 या उसके पहले की. फिर कहा जा रहा है कि इंडिया हैज ऑटोमेटिक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद पनामा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम 2018. यानी कि वो यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल बनाएंगे जो 2018 या उसके बाद आई है. तो 2016 तक की जो इंफॉर्मेशन है वो इस सॉफ्टवेयर से उन्हें मिल ही नहीं सकता. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इस तरह सॉल्व नहीं हो सकती. ओके, तो ऑप्शन देखते हैं. पहले कहा जा रहा है इट विल असिस्ट ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट टैक्स इवेजन. अब क्वेश्चन में ये दिया तो गया है कि ग्लोबल एफर्ट, पर ये लोग एक बहुत ही स्पेसिफिक इवेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वो इवेंट जो दिया वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. जब टैक्सेशन की वो बात कर रहे, जब वो बात करे कि ग्लोबल एफर्ट स्ट्रेंथन होगी, तो वो लोग को इसी इवेंट के हिसाब से अपना आंसर चाहिए. ठीक है, कि इस इवेंट में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, और हम देख चुके हैं कि इस इवेंट में फर्क नहीं पड़ रहा. क्यों? क्योंकि इस इवेंट की इंफॉर्मेशन 2016 तक की है और इंडिया सिर्फ 2018 या उसके बाद की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पा रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन ए गलत है. अब ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि इट विल नॉट असेस ग्लोबल एफर्ट्स. पर रीजन क्या दिया गया है कि वो जो ओनर है उसने अपनी जो गलत बिजनेस डीलिंग्स है, शेडी यानी कि जो सस्पिशियस है, जिस पर शंका हो सकती है, वैसी डीलिंग्स को छुपा के रखा है. ठीक है, अब ऐसा भी कुछ कहा नहीं गया. इनफैक्ट पैसेज तो ये कह रही है कि इस सॉफ्टवेयर से जो चीज छुपी हुई भी है वो भी बाहर आ जाएगी. ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलत है. अब ऑप्शन सी भी कह रही है कि इससे मदद होगी, पर हमने देखा है कि इससे मदद नहीं होगी, तो ऑप्शन सी भी हम तुरंत ही हटा देंगे. और लास्ट ऑप्शन ये कह रही है कि जो सॉफ्टवेयर है वो 2018 में आई और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए 2016 या उसके पहले, इसलिए इससे हमारी कोई मदद नहीं. ठीक है, क्लियर है? तो आज हमने बहुत जल्दी आज के पेपर को कवर कर लिया. नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे और भी जल्दी करने की. और क्लासरूम में एक होमवर्क ऑलरेडी अपलोड किया गया है, उसके लिए आपको 12 मिनट्स का टाइम दिया गया है. ठीक है, तो 12 मिनट्स में आपको पूरा पेपर सॉल्व करके उसके आंसर्स वांसर सब समझने होंगे. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम लोग वो पेपर डिस्कस करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि 12 मिनट्स में सॉल्व हो जाए. मोसैक उस आदमी का नाम है आयुष, और पनामा उस जगह के नाम को खा गया. ठीक है, तो ये सब जो है वो लोग इमेजिनरी नाम बना रहे. तो मनामा पेपर्स, मोसैक फोंसेका और पनामियन लॉ. पनामियन, पनामा किसी जगह के नाम है और पनामियन लॉ यानी कि पनामा के लॉ. ठीक है, हाँ वो क्वेश्चंस है मेरे पास. तुम इन क्वेश्चंस की बात कर रहे हो ना? ठीक है, ये डाउट्स किसी ने भेजी थी और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इन्हें डिस्कस करके एक एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है नेग्लिजेंस. अब नेग्लिजेंस यानी कि आप कोई काम करते हैं केयरलेसनेस से जिससे किसी और को नुकसान होती है. ठीक है, ये एकदम बेसिक मीनिंग है नेग्लिजेंस का. तो अगर आपकी कोई ड्यूटी होती है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप उसको करने में कुछ
आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो इसमें, ठीक है, नेग्लिजेंस में आप कुछ गलत नहीं करते हो, बस आप अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं निभाते, ठीक है, तो आप केयर नहीं लेते। तो नेग्लिजेंस के मेनली आपके तीन इंग्रेडिएंट्स होती है, ठीक है। पहला होता है ड्यूटी ऑफ केयर, ठीक है। तो अगर दो पार्टीज एग्जिस्ट करती है, ए और बी, ठीक है, तो ए और बी है, तो नॉर्मली ये जरूरी नहीं है कि आपको बी के हर रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना हो। और नहीं अनुराग, इग्नोरेंट नहीं होगा, इग्नोरेंट यानी कि आप जानते नहीं, ठीक है। नेग्लिजेंस में ये होता है कि आप जानते हुए भी, या जानना या ना जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप कोई काम केयरलेसली कर लेते, जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर हो और आप अपने पेशेंट पर ऑपरेट करते हुए कुछ गलत कर, कुछ ऐसा कर लेते हो जो आपको को अगर आप केयरफुली ऑपरेट कर रहे होते तो आपसे नहीं होता, तो उसे नेग्लिजेंस कहते हैं, ठीक है। या आप गाड़ी चला रहे हो और आपने बिना देखे टर्न ले लिया, नहीं, हाँ, इंटेंशन की कोई जरूरत नहीं है। नेग्लिजेंस की तीन मेन इंग्रेडिएंट्स होती है, ठीक है। तो आपने, आप गाड़ी चला रहे हो, आप एकदम नॉर्मली सही से ही चला रहे हो, पर आपने बिना देखे टर्न ले लिया और उससे किसी को चोट आ गई, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपकी कोई ड्यूटी थी, उसे आपने नहीं निभाया और उसे किसी और को नुकसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपकी ड्यूटी क्या थी कि आपको देखकर टर्न लेना चाहिए था, नुकसान क्या हुआ कि किसी और को चोट आई, और आपने अपनी ड्यूटी कैसे नहीं निभाई, आपने देखने टर्न करने से पहले देखा नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ नेग्लिजेंस की जो तीन रिक्वायरमेंट है क्या होती है, पहले ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी ऑफ केयर आप उन लोगों को ओ करते हो, यानी आपकी ड्यूटी उन लोगों के प्रति होती है जिन लोगों को आपके एक्शन से नुकसान पहुंच सकता है, तो इसे हम कहते हैं नेबर प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका नेबर वो नहीं हुआ जो आपके बगल वाले घर में रह रहा है, पर ऐसा कोई भी व्यक्ति हुआ जिससे जिससे आपके एक्शन से नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर आप अपने कुत्ते को लेके सड़क पर चल रहे हो और आपने उसे छोड़ दिया, ठीक है, तो वो जिसे भी जाकर काट सकता है, जो भी आपके आसपास है, वो सभी लोग आपके नेबर हुए, क्योंकि उस कुत्ते को छोड़ने से उन लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। आप यदि गाड़ी चला रहे हो तो सड़क पे चलने वाला कोई भी आदमी आपका नेबर होगा, स्कूटर में बैठा हुआ कोई भी आदमी आपका नेबर होगा, और अगर उसे आपकी लापरवाही के कारण चोट पहुंचे तो आप नेग्लिजेंट कहलाओ, ठीक है। तो नेबर ऐसा ही व्यक्ति होगा जो आपके किसी एक्शन से, आप मतलब आप उस एक्शन को करते हुए भी सोच सकते हो कि इस इंसान को मेरी इस एक्शन से नुकसान पहुंच सकती है, या अगर मैंने ठीक तरह से केयरफुली नहीं बिहेव किया तो इससे चोट पहुंच सकती है, या ऐसा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो उन लोगों की तरफ आपका ड्यूटी ऑफ केयर रहेगा। फिर दूसरा, उस ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए, यानी अगर आप पूरी तरह से ठीक से काम कर रहे हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, या आपने किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की, तो अगर दूसरे जन को चोट आई भी तो आप नेग्लिजेंट नहीं कर कहलाओगे। अगर आपका ड्यूटी इतना ही है कि आपको ध्यान से रोड क्रॉस करना है और उसके बावजूद आप किसी को ठोक देते हो, या कोई आपके गाड़ी के सामने आ जाता है, आप पूरी ध्यान रख रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिग्नल तोड़ी है या वैसा कुछ, आप एकदम ध्यान से चला रहे हो, फिर भी कोई गलत टाइम पे आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है, तो आप नेग्लिजेंट नहीं कहलाओगे और तब आपकी लायबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है।
तो आपको अपनी कोई ड्यूटी को ब्रीच करनी होगी तभी उसे नेग्लिजेंस कहेंगे, ठीक है। और तीसरा होगा कि उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी से, यानी उस ड्यूटी को नहीं निभाने के कारण किसी और को डैमेज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने बस अपनी ड्यूटी ब्रेक किया और उससे किसी को और को कोई नुकसान नहीं आया तो उसे नेग्लिजेंस नहीं कहें। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि नुकसान फिजिकल हार्म भी हो सकता है और मेंटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। फोर्सिएबिलिटी यानी कि आप जब कोई काम कर रहे हो तो आप ये समझ सकते हो कि इससे ये नुकसान हो सकता है, और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कोई भी रीजनेबल इंसान। जैसे कि अगर आप गाड़ी को बहुत तेज चला रहे हो मेन रोड पे, तो आप ये फोर्सी कर सकते हो, यानी आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, ऐसा जान सकते हो कि इस काम से किसी की एक्सीडेंट हो सकती है, तो इस सिचुएशन में वो एक्सीडेंट फोर्सिएबल इवेंट बन जाती है। ऐसा चीज जो फ्यूचर में होगा पर आप देख सकते हो कि ऐसा होना बहुत ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि मैं 100 की स्पीड पे चला रहा हूँ हाईवे पे, तो उसमें फोर्सिएबल नहीं होगा कि उससे एक्सीडेंट हो सकती है, कहीं आसपास गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस समय कोई ये नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि उससे किसी की एक्सीडेंट हो सकती है। पर उसी तरह से अगर आप मेन रोड पर चला रहे हो, वहां बहुत ट्रैफिक हो और ये सब, तो आप ये जज कर सकते हो कि आपके उस तरह से चलाने से किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि ये फोर्सिएबल है या नहीं है, और जो चीज फोर्सिएबल नहीं होगी उसके लिए आप नेग्लिजेंट नहीं कहला सकते, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, तो मेन थ्री रिक्वायरमेंट्स क्या हुई, ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और डैमेज कॉस्ट, ठीक है। ये मेन रिक्वायरमेंट्स है। अब इन्हीं को समझाया गया और कुछ प्रिंसिपल्स दी गई, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल कह रहा है, नेग्लिजेंस इज द एब्सेंस ऑफ केयर ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी व्हिच रिजल्ट्स इन सम डैमेज टू द अदर पार्टी। तो तीनों आ गए ना, यहाँ पहले ड्यूटी है इसीलिए एब्सेंस ऑफ केयर आ रहा है, फिर ब्रीच होने के कारण एब्सेंस ऑफ केयर, फिर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को डैमेज पहुंचाया, और डैमेज कैसे हो, क्योंकि ड्यूटी था और उसकी एब्सेंस थी, ठीक है। फिर सेकंड कह रहा है, जनरली अ पर्सन इज अंडर नो ड्यूटी टू कंट्रोल अनदर टू प्रिवेंट हिज डूइंग डैमेज टू अ थर्ड पार्टी। इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल में ये कहा जा रहा है कि अगर ए बी और सी तीन लोग हैं और बी ने सी को नुकसान पहुंचाया, तो नॉर्मल सिचुएशन में उसके लिए ए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, ये क्लियर है। तो अगर अगर ठीक है एक सेकंड, तो अगर अभिप्सा, इसी तरह से आपके नाम को प्रोनाउंस करते हैं क्या, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बताना। तो अगर अभिप्सा और ने कल्पना को नुकसान पहुंचाया, तो उसके लिए मैं ये नहीं कह सकती कि गौरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में गौरी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती, या किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पर ये यूजुअल होता है। पर अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि अभिप्सा किसी क्लास की टीचर हो और उसे कहा गया हो कि गौरी को एक क्लासरूम में रखने के लिए, और उसके बाद गौरी कल्पना को नुकसान पहुंचाती है, तो उस सिचुएशन में हम अभिप्सा को भी लायबल ठहरा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या चेंज हुआ कि यहाँ अभिप्सा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये इसीलिए कहा गया कि जनरल रूल ये है कि A person is under no duty to control another, ठीक है।
फिर कहा जा रहा है कि थर्ड रूल ये है कि फोर्सिएबिलिटी टेस्ट आस्क वेदर द पर्सन कॉजिंग द इंजरी शुड हैव रीजनेबली फोरसीन द जनरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट वुड रिजल्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर कंडक्ट। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने कुछ किया और उससे आप रीजनेबली ये सोच सकते हो कि इससे इसका ये इफेक्ट हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सबसे लाइकली इफेक्ट हो ही हो। तो अगर आप बहुत जोर से गाड़ी चला रहे हो तो उससे किसी को एक्सीडेंट हो भी सकती है, और ऐसा भी बहुत लाइकली है कि एक्सीडेंट ना हो अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो या आप बहुत कंट्रोल में हो, आप बहुत ध्यान रख रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट ना भी हो या एक्सीडेंट होने की चांस बहुत कम हो, पर क्योंकि आप क्राउडेड रोड में उस स्पीड पर चला रहे हैं तो कोई भी रीजनेबल आदमी यही सोचेगा कि इस सिचुएशन में एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चाहे सच में वो पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं हो क्योंकि आप बहुत बेहतरीन ड्राइवर हो, पर फिर भी ये सोचा जाएगा कि ये रीजनेबली फोर्सिएबल था। यानी कोई भी सेंसिबल इंसान, कोई भी जो ध्यान रख रहा होगा या कोई भी सोचने से ऐसा सोच सकता है कि ऐसे काम करने से एक्सीडेंट हो सकती है। ठीक है, तो और ये फोर्सिएबिलिटी किसकी होनी चाहिए? जिसने इंजरी कॉज की, यानी जिस एक्ट से इंजरी हो रही है, किसी भी रीजनेबल इंसान को लगना चाहिए कि हाँ ऐसे एक्ट से इंजरी होना पॉसिबल है। ठीक है, अब चौथा ये कह रहा है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यानी कि जब कोई कोई काम करता है अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो जब स्टेट कोई लॉ पास करती है और उस लॉ के तहत आप किसी काम को करने का करते हैं हो तो उसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि आप वो काम अपने से नहीं कर रहे बल्कि किसी लॉ को फुलफिल करने के लिए, लॉ के पर्पस को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज अ वैलिड डिफेंस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो अब जो नेग्लिजेंस के प्रिंसिपल को हमने पढ़ा वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी कि जब जो राइट्स आपके पास किसी और के जो जो राइट्स आपके पास रहते, जो एक टॉर्ट होता है एक रॉन्ग जो दूसरे कोई और आपके राइट्स के खिलाफ कमिट करता है। ठीक है, तो ये क्राइम नहीं होता। ठीक है, पर इससे किसी और के एक्शन से आपके राइट्स को खतरा रहता है। ठीक है, तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स होती है और उसके अंतर्गत स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक डिफेंस होती है। यानी अगर आप कोई लॉ के हिसाब से कुछ कर रहे हो या किसी लॉ को पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हो तो उसके लिए आपको एग्जेम्पशन है। उस दौरान अगर आपसे कुछ गलती हो भी गई तो कई बार आपको माफ किया जा सकता है। ठीक है, तो नेग्लिजेंस के प्रिंसिपल हमने समझा। तो हमें अब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमेशा ये देखना होगा कि ड्यूटी ऑफ केयर है कि नहीं। अब ड्यूटी ऑफ केयर को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो एक्शन हुआ है उससे इस तरह का इफेक्ट हो सकता है कि नहीं, और जिन लोगों को नुकसान पहुंची है जिसने नुकसान पहुंचाया है वो सोच सकता था क्या कि इस तरह से लोगों को नुकसान हो सकती है। ठीक है, और इसके लिए हम ये नहीं सोचेंगे कि वो जिसने नुकसान पहुंचाया उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था। हम ये सोचेंगे कि एक रीजनेबल पर्सन के लिए यानी एक साधारण व्यक्ति के लिए ऐसा जानना समझना पॉसिबल था कि नहीं था। ठीक है, तो इससे ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश होगा। फिर हम देखेंगे कि जो ड्यूटी उसकी थी उसने उसे ब्रीच किया कि नहीं किया, यानी उसने वो ड्यूटी को निभाया या नहीं निभाया। अगर उसने ड्यूटी को निभा लिया है तो हमारा क्वेश्चन वही खत्म हो जाता। ठीक है, पर अगर उसने ड्यूटी नहीं निभाया तो हम तीसरे भाग पर आते हैं, वो है कि
दूसरे पार्टी को डैमेज हुई है कि नहीं हुई, हम किसी भी ऑर्डर में ये चेक कर सकते हैं। तो जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ ड्यूटी ऑफ केयर थी कि नहीं, ड्यूटी को ब्रीच किया गया है कि नहीं, और इससे डैमेज किसे और जिसे हुआ है वो रीजनेबल था कि नहीं, फॉरसीएबल था कि नहीं। ओके, तो ये कहा जा रहा है, 10 बॉस्टर ट्रेनीज वर वर्किंग ऑन एन आइलैंड इन अ हार्बर इन द कस्टडी एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ 3 ऑफिसर्स। तो ये जो बॉस्टर ट्रेनीज होते हैं ना, ये कोई टाइप के, यूजुअली ये जो रेफॉर्मेशन होम होता है ना, रेफॉर्मेशन होम जहाँ की किसी ने जो क्राइम कमिट किया है उन्हें कड़ी सजा देने की जगह उन्हें रिफॉर्म करने का कोशिश किया जाता है, ठीक है? तो उन्हें काम दिया जाता है, उन्हें सुपरवाइज किया जाता है, तो उन्हें बॉस्टर ट्रेनीज कहा जाता है, ठीक है? जिन्हें ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो वापस क्राइम ना कमिट करके कुछ यूजफुल काम कर सके। हाँ, डिटेंशन सेंटर नहीं, रेफॉर्मेशन सेंटर, क्योंकि डिटेंशन सेंटर से, डिटेंशन यानी कि किसी को बंद कर कर रखना, पर आप कह सकते हो जुवेनाइल डिटेंशन, क्योंकि वहां भी रिफॉर्मेटरी काम होता है। रिफॉर्म का मतलब कि किसी को सुधारना, ठीक है? तो इन ट्रेनीज को ट्रेन किया जा रहा है, ये इन्होंने क्राइम कमिट की है पर इन्हें ट्रेन किया जा रहा है ताकि ये वापस सोसाइटी के मेंबर्स बन सके और कुछ यूजफुल काम कर सके। हाँ, ठीक है। तो ये जो बॉस्टन ट्रेनीज है, 10 ट्रेनीज है और इन्हें 3 ऑफिसर्स के कंट्रोल में रखा गया है, ठीक है? ड्यूरिंग द नाइट 7 ऑफ देम एस्केप्ड, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि रात को 7 एस्केप कर लिए। तो अब हम सोच रहे हैं कि एक सेंटर में लोगों को रखा गया है, उसके लिए 3 ऑफिसर्स को इंचार्ज बनाया गया है, तो अगर वो लोग सेंटर से एस्केप करती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होगा? उन ऑफिसर्स पर। फिर कहा जा रहा है कि इट वॉज क्लेम्ड दैट एट द टाइम ऑफ एस्केप द ऑफिसर्स हैड रिटायर्ड टू बेड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा भी नहीं था कि वो ऑफिसर्स ध्यान दे रहे थे या उन्हें मार कर भागे भागे हैं या ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है? वो लोग सो चुके थे तो उन्होंने ठीक तरह से प्रिकॉशन नहीं लिया, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ क्लियरली ब्रीच तो हो रही है, पर अब हमें देखना है कि ड्यूटी क्या थी और किसके प्रति थी। फिर कहा जा रहा है कि द 7 गॉट ऑन बोर्ड अ यॉट, यॉट एक टाइप का बोट होता है, ठीक है? तो उन्होंने वो बोट पर चढ़ गए, फिर उन्होंने उसे आइलैंड से हटाकर वो आइलैंड से दूर जाने लगे, ठीक है? फिर दे कोलाइडेड विद अनदर यॉट, तो उनकी टकराव हुई और ये जो यॉट थी ये एक्स एक्स की थी और उसे डैमेज हो गए। तो हम डैमेज भी देख रहे हैं, एक्स के यॉट को डैमेज हुआ है, ठीक है? और फिर कहा जा रहा है कि एक्स ने ये होम ऑफिस को सू कर लिया, यानी होम ऑफिस पर केस किया। तो अब कोई मुझे बताएगा कि यहाँ ड्यूटी ऑफ केयर है कि नहीं है, और ड्यूटी ऑफ केयर किस किसकी होनी चाहिए और किसके प्रति, क्योंकि होम ऑफिस को सू किया गया है, यानी होम ऑफिस के खिलाफ केस किया गया है, तो ड्यूटी भी होम ऑफिस की होनी चाहिए और किसके प्रति होनी चाहिए? एक्स के प्रति, क्योंकि एक्स को डैमेज हुई, ठीक है? तो ऑफिसर्स की ड्यूटी ऑफ केयर है क्या? सिर्फ नॉर्मल ड्यूटी नहीं कि मतलब सिर्फ इतनी ड्यूटी नहीं कि वो लोग एस्केप कर पाए या ना एस्केप कर पाए, बल्कि स्पेसिफिकली एक्स के अगेंस्ट उनकी कोई ड्यूटी है कि नहीं, ठीक है? ठीक है। तो पर हम ये कह सकते हैं कि वो ये नहीं सोच सकते थे कि कि ये लोग एस्केप कर रहे थे वो तो रीजनेबल है, ठीक है? ये हम लोग फोर्सी कर सकते हैं कि वो लोग एस्केप करेंगे, ठीक है? क्योंकि 3 ऑफिसर सो चुके थे, तो जिन्हें बिना उनकी मर्जी के रखा गया वो एस्केप करने की कोशिश जरूर ही करेंगे, और ऐसा हो भी सकता है कि वो एस्केप करें।
पर यहाँ हम देख रहे हैं कि उन्होंने एस्केप किया, उसके बाद उन्होंने वो यॉट पर चढ़े, फिर यॉट से उन्होंने वो आगे बढ़े और फिर जाके यॉट को एक्स की यॉट को डैमेज पहुंचाया। तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि वो लोग लैंड पर ही घूम रहे हैं या लैंड पर या जो होम था उसके आसपास उन्होंने किसी को इंजर किया है, ठीक है, जो डैमेज है वो उस जगह के आसपास हो नहीं रही है, लैंड पर नहीं हो रही है। अब क्या वो लोग ये सोच सकते थे कि ये लोग एस्केप करेंगे और फिर सीधा बोट पर चढ़ जाएंगे और बोट से जाके दूसरे बोट को टकराव होगी? और अगर ऐसा फॉर्सिबल नहीं है तो क्या हम ड्यूटी के बारे में सोच सकते हैं? क्या ये ड्यूटी है? बोलो। अगर समझ नहीं आया तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगी, ठीक है? अब आप कह रहे हो ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि इस केस में और जो मैंने डिस्क्राइब किया उसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा, हाँ अनुराग, वो लोग तो रिस्पॉन्सिबल है ही क्योंकि वो लोग भाग कर उन्होंने डैमेज कॉज किया, पर यहाँ हम लोग डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो नेग्लिजेंस कब होती है? जब आपकी कोई ड्यूटी ऑफ केयर हो और आप उससे ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है? तो इस सिचुएशन में जो ऑफिसर्स थे, और वो होम ऑफिस के ऑफिसर्स थे, तो जब कोई मास्टर होता है या कोई एम्प्लॉई होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो जब कुछ लोगों को जॉब पर रखता है और उनसे कोई गलती होती है, तो जो एम्प्लॉई होता है या जो कंपनी होती है उसकी भी लायबिलिटी होती है, ठीक है? इसे वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं, ये हम बाद में कवर करेंगे, पर ये याद रखिए कि होम ऑफिस और ऑफिसर्स की लायबिलिटी सेम ही रहेगी। और जो लोग भागे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी नहीं क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्टली डैमेज कॉज किया है, पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी लायबिलिटी रहेगी कि नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, क्योंकि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोग बाहर ना निकले, ठीक है? और उनकी लापरवाही के कारण जो लोग थे वो लोग भाग गए और उनके भागने के कारण डैमेज कॉज हुआ, ठीक है? तो अब उनके भागने के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल है, ये एकदम ऑब्वियस है कि वो उनके भागने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट जो बोट को डैमेज आई है वो काफी बाद में आया है, ठीक है? तो मैंने जो डिस्क्राइब किया कि बोट पर चढ़ना, बोट से फिर डैमेज कॉज करना, ये सब रीजनेबली फॉर्सिएबल है कि नहीं? तो ये जो केस है ये एक्चुअल में कोर्ट के सामने आया था और ऑफिसर्स के लॉयर ने ये आर्ग्यू किया कि हम रीजनेबली ये नहीं देख सकते कि वो लोग बोट पर चढ़ के फिर पानी में डैमेज कॉज करेंगे। यदि उन्होंने लैंड में या इस होम के आसपास कहीं डैमेज कॉज किया होता तो हम फिर भी सोचते कि हाँ उनकी लायबिलिटी थी, पर ये लोग तो काफी दूर निकल चुके थे। तो कोर्ट ने कहा कि अगर जो होम थी यानी जहां उन्हें रखा जा रहा था, अगर वो पानी से बहुत दूर होता, ठीक है, तो शायद इस आर्ग्यूमेंट को समझा जा सकता है, पर ये जो जगह है ये कहाँ है? ऑन एन आइलैंड इन अ हार्बर। तो ऑलरेडी वो आइलैंड पर है, आइलैंड यानी कि चारों तरफ पानी ही है, तो किसी को एस्केप करना होगा तो बहुत लाइकली है कि वो पानी से ही जाएगा। और इन अ हार्बर यानी सिर्फ वो आइलैंड पर ही नहीं बल्कि बिल्कुल पानी के पास में, ठीक है? तो इस वजह से ये बात कि उन्होंने वो लोग यॉट पर चढ़े फिर उससे वो लोग आगे बढ़ने लगे और उन्होंने यॉट को डैमेज कहा पहुंचाया,
ये भी फोर्सिएबल है, ठीक है? तो अगर वो होम पानी से दूर होता, यॉट के आसपास नहीं होता, तो उसके लिए ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता। क्यों? क्योंकि कोई ये नहीं सोचेगा कि आप नॉर्मल जमीन पर हो और आप एस्केप करने के लिए पानी के पास जा रहे हो, फिर आपके पास यॉट भी आ गया, आपने यॉट को भी छुड़वा लिया, यॉट को चला रहे हो। ये सब बहुत ही आगे की सोच हो रही, ठीक है? पर अगर आप ऑलरेडी पानी के पास हो और सबसे बेस्ट एस्केप करने का तरीका या काफी अच्छा एस्केप करने का तरीका उस यॉट के थ्रू ही हो, तो उन लोगों के यॉट के जाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन ऑफिसर्स पर ही आती है। तो ये समझ आया कि डिफरेंस क्या है और क्यों हम सोचेंगे कि ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल है इस सिचुएशन में? कोई डाउट होने से पूछना, या कोई अभी भी अग्री नहीं करता या किसी को समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है? फिर और एक आर्ग्यूमेंट आती है कि हमने स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन के बारे में पढ़ा कि स्टैट्यूटरी अगर किसी लॉ से उन्हें कहा गया कि उन्हें अलाउड है ये करना, तो उन्हें उन्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डैमेज हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि ऑफिसर्स की ड्यूटी थी और उस ड्यूटी को करते हुए उन्होंने ब्रीच किया, ठीक है? वो सो गए। तो इस सिचुएशन में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की डिफेंस नहीं आती क्योंकि उनका सोना या ड्यूटी को ब्रीच करना वो किसी लॉ के अंडर नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो ये काफी सिंपल है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए ये कह रहा है कि ऑफिस लायबल नहीं है क्योंकि उन्होंने स्टैट्यूटरी ड्यूटी, वो लोग स्टैट्यूटरी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें लायबिलिटी से इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी तभी अप्लाई करेगी जब उनसे कोई गलती उस ड्यूटी को परफॉर्म करते टाइम हो, ठीक है? यहाँ तो उन्होंने ड्यूटी को परफॉर्म करना ही बंद कर दिया, ठीक है? तो वो लोग सो गए, तो यहाँ उनकी लायबिलिटी को एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि ट्रेनीज आर लायबल एंड नॉट द होम ऑफिसर्स। तो हमने ये समझा कि ट्रेनीज के साथ साथ होम ऑफिसर्स भी क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि ये ट्रेनीज को बाहर नहीं निकलना है, और जैसे ही वो निकले और जैसे ही उन्होंने कुछ भी ऐसा किया जो ये सोच सकते थे कि निकलने से वो ऐसा ही करेंगे, वैसे ही ऑफिसर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है? फिर ऑप्शन सी में जाते हैं। वो कह रहा है कि द फैक्ट दैट द इमीडिएट डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स वाज कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन द ट्रेनीज प्रिवेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर्स। तो इसमें ये मैंने एक्सप्लेन किया कि चाहे वो जो इमीडिएट डैमेज है वो ट्रेनीज के कारण कॉज हुआ हो, पर उन्होंने ये ऐसा इसीलिए कर पाए क्योंकि वो लोग बाहर निकल चुके, और वो बाहर इसलिए निकले क्योंकि ऑफिसर्स ने लापरवाही की। तो ट्रेनीज की तो लायबिलिटी रहेगी पर ऑफिसर्स की भी लायबिलिटी रहेगी, और बस क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये दूर का कोई एक्ट है या उन्होंने बोट चलाई, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी की ऑफिसर्स की लायबिलिटी एक्सक्यूज हो जाए। और ऑप्शन डी उन्हें लायबल ठहरा रहा है। वो कह रहा है द टेकिंग बाय द ट्रेनीज ऑफ द नियर बाय यॉट। देखिए यहाँ भी स्ट्रेस किया गया है कि यॉट पास में थी, फिर कहा जा रहा है कॉजिंग ऑफ डैमेज टू द अदर यॉट विच बिलोंग टू एक्स। तो डैमेज भी है और ड्यूटी एक्स के प्रति है, इसीलिए एक्स को डैमेज हो रही है तो लायबिलिटी आ रही है। फिर कहा जा रहा है ऑट टू हैव बीन फोरसीन बाय द बोस्टन ऑफिसर्स एज लाइकली टू अकर इफ दे फेल टू एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल और सुपरविजन इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस द ऑफिसर्स प्राइमा फेसी ओवर ड्यूटी ऑफ केयर टू एक्स। तो यहाँ और एक लैटिन मैक्सिम आती है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी यानी पहली बार जब आप कोई सिचुएशन को देखते हैं तो उसे देखकर कैसा लगता है, ठीक है? तो प्राइमा फेसी यानी ऑन द फर्स्ट इम्प्रेशन,
या ऑन द फेस ऑफ तो देखते ही जो सही लगता है उसे प्राइमर फेस ही कहते हैं। और ऑप्शन डी हर एस्पेक्ट को कवर कर ले रही है, वो बता रही है कि ये ड्यूटी क्यों एग्जिस्ट करती थी, उसे ब्रीच कैसे किया गया और किससे डैमेज हुआ, ठीक है, और कैसे डैमेज हुआ। तो ऑप्शन डी को पढ़िएगा तो मैंने भी जो समझाया आपको आधे घंटे में वो भी बहुत क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन डी सारी रीजन एकदम करेक्टली आपको देता है, इसीलिए ऑप्शन डी कर, ठीक है। तो अब हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद क्लास होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या दी गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि कोर्ट के खिलाफ आप जाते हैं, कोर्ट के रेपुटेशन को आप हार्म करते हो, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अ पर्सन शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज पब्लिश्ड एनी मैटर विच इंटरफियर्स विथ और ऑब्स्ट्रक्ट्स और टेंड्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस इन कनेक्शन विद एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन If at that time he had no reasonable grounds for believing that the proceeding was pending, तो इस principle का मतलब क्या है कि किसी ऐसे जन को contempt के लिए liable नहीं ठहराया जा सकता है अगर उसने कुछ ऐसा कहा है या कुछ ऐसा publish किया है जिससे court की justice provide करने की ability को या उसे ऑब्स्ट्रक्ट किया जा सके, यानी कि कोर्ट अपना काम करने में नाकामयाब हो इस स्टेटमेंट के कारण, ठीक है। तो उसमें कहा जा रहा है कि उन्हें तभी इस बात के लिए कंटेम्प्ट के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, और क्यों नहीं ठहराया जा सकता है, अगर उस टाइम पर कोई ऐसा रीजन नहीं था जिसके कारण उसे ये लगे कि जो प्रोसीडिंग्स के बारे में वो बात कर रहा है वो अभी भी कोर्ट में चल रही है। यानी अगर कोई जेन्युइनली ऐसा सोचे कि प्रोसीडिंग्स खत्म हो चुकी है और फिर वो उस पर कोई स्टेटमेंट पब्लिश करता है जिससे अगर प्रोसीडिंग्स नहीं खत्म हुई होती तो कोर्ट को अपने काम करने में नुकसान होता या कोर्ट अपने काम सही तरीके से नहीं कर पाता तो उसे कंटेम्प्ट के लिए नहीं दोषी ठहराया जाएगा। क्यों नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रही, और ना सिर्फ नहीं पता था पर कोई रीजन नहीं था जिसके कारण उसे ये विश्वास हो कि प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रही, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि एक्स ने लेक्चर दी और उसने ये लेक्चर की एक अक्यूज के खिलाफ जिसे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है यानी कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है फॉर असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि ये जो जिन्हें अक्यूज किया जा रहा है जिनकी सुनवाई चल रही है वो जुडिशियल करप्शन के शिकार हो गए हैं, यानी जुडिशियरी में सब करप्ट है इसीलिए वो सफर कर रहे हैं, एंड इस कारण से उनकी ऑनेस्टी के बावजूद उन्हें अब कोर्ट पनिश करेगी। तो आप सोच लीजिए अगर कोई भी एक बड़े से ग्रुप के सामने ऐसा लेक्चर देता है तो लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर कोर्ट ने फिर उसे अरेस्ट भी कर लिया या उसे दोषी भी ठहराया तो लोग यही समझेंगे कि इस आदमी ने जो कहा है वो सही है और कोर्ट ने करप्शन के कारण उसे दोषी ठहराया, यानी कोर्ट करप्ट है, कोर्ट जस्टिस नहीं दे पा रही इसीलिए उसे दोषी ठहराया। तो इससे कोर्ट के सही नतीजे पर आने की एबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि अब कोर्ट अगर दोषी ठहराएगा तो अगर वो जो आदमी है वो दोषी होगा और कोर्ट उसे दोषी ठहराएगा तो भी लोग समझेंगे कि वो करप्शन के कारण हो गए, ठीक है।
और इस सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि वो कह रहा है कि इफ एक्स इज पनिश्ड देन इट विल बी बिकॉज ऑफ करप्शन, यानी कि एक्स नहीं, इफ द पर्सन इज पनिश्ड, इफ द अक्यूज्ड इज पनिश्ड देन ही विल बिकम अ विक्टिम ऑफ करप्शन. यानी एक्स भी जानते हैं, वो स्पीच देते टाइम भी जानते हैं कि अभी भी सुनवाई चल रही है. तो जो एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर उसके पास कोई रीजन नहीं हो ये बिलीव करने का कि सुनवाई चल रही है, तो उसे कंटेम्प्ट के लिए नहीं गिल्टी ठहराया जाएगा. वो रीजन कोई मायने ही नहीं रखती क्योंकि वो जानता है कि अभी भी सुनवाई चल रही है. इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगी. ठीक है, तो ए और डी तो हम पहले ही एलिमिनेट कर दे रहे हैं क्योंकि वो कंटेम्प्ट में है, क्योंकि वो जानता है कि सुनवाई चल रही है. अब सी क्यों हम नहीं, सी गलत क्यों है, क्योंकि सी में कहा जा रहा है कि एक्स हैज डिसऑनर्ड द जुडिशरी. अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो जुडिशरी की डिसऑनर के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए ताकि जुडिशरी सही तरह से अपने काम कर पाए. और यहाँ भी डिसऑनर की बात नहीं की जा रही है, जुडिशरी के काम करने की क्षमता के साथ इंटरफियरेंस या ऑब्स्ट्रक्शन की बात की जा रही है. ठीक है, तो अगर उसने सिर्फ कोर्ट को डिसऑनर किया जाता और उससे किसी केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता या कोर्ट अपने काम करने से नहीं कतराता, तो उसे लायबल नहीं ठहराया जाता. पर क्योंकि उसने ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे कोर्ट के उस पर्टिकुलर केस में डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, इसीलिए वो कंटेम्प्ट में. ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि वो गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट है और कुछ नहीं. ठीक है, तो अगर ये क्लियर है और एक क्वेश्चन करना है क्या, टाइम है हम लोग के पास? ठीक है, और एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ हम आते हैं थेफ्ट के पास. ठीक है, तो थेफ्ट यहाँ थेफ्ट ये जो प्रिंसिपल है ये थेफ्ट के बारे में है. तो थेफ्ट के अब देखते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है. हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेट टू कमिट. ठीक है, तो फर्स्ट सिक्वेंट इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्ट, तो यहां से वैसा नहीं है कि मैंने भूल से किसी की चीज उठाई और कहीं और, मैं जानबूझ के उसकी चीज को चुराना चाहता हूं और इसीलिए. फिर कहा जा रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अगर मैं आपके घर के पेपर पे आपसे साइन ले लूं और फिर उसे अपने नाम में करा दूं, तो उसे थेफ्ट में कहा जाएगा. क्यों? क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है. या लैंड के पेपर्स पर अगर मैं साइन करा दूं, ठीक है, तो थेफ्ट के लिए यानी चोरी के लिए जरूरी है कि किसी मूवेबल प्रॉपर्टी ही पर ही आप कुछ करने की कोशिश करें. ठीक है, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन without that person's consent. So out of the possession of any person. ठीक है, तो यहाँ हमें जरूरी है समझना कि possession का क्या मतलब है. तो possession यानी एक तो कि आपके हाथ में हो या आपके बिल्कुल पास हो, या ऐसा भी हो सकता है कि possession यानी आपने कहीं रखा है और आप जानते हो कहाँ रखा हुआ है, और उधर उसमें भी वो आपके पास ही है. ठीक है, फिजिकली चाहे वो आपके पास नहीं हो पर आप जानते हो वो कहाँ रखा है और वो आपकी चीज है. ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी है वो आपकी है और आपने रख के रखा है, आपके पास रखा हुआ है, उसे कहते हैं पर्सन्स पोजेशन. आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, तो ये जरूरी है कि आपने किसी से कहा नहीं कि ठीक है तो मेरी चीज ले लो, क्योंकि अगर आपने उसे दे दिया या उसने आपसे पूछ के लिया, तो चाहे उसने आपको बुद्धू ही बनाया क्यों ना हो, वो थेफ्ट नहीं कहलाएगा. ठीक है,
फिर कहा गया मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेक. तो आपकी प्रॉपर्टी है, आप जानते हो कहाँ रखा है, आपसे बिना पूछे कोई, क्योंकि वो ऐसा चाहता है कि वो उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली आपसे ले ले, इसलिए वो उसे लेकर कहीं और रख देता है. अब कहीं और यानी कि वो कहीं छुपा भी सकता है ताकि वो बाद में उसे अपने हिसाब से ले सके, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने वो सीधा अपने साथ ही ले जाता है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में उसे थेफ्ट कहा जाता है, जब बिना पूछे कोई आपकी चीज को लेकर अपनी जगह से हटाता है. ठीक है, और वो ये हटाता है सिर्फ मस्ती के लिए या आपको चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि वो चाहता है कि वो चीज उसकी हो जाए और वो आपसे लेना चाहता है उस चीज को. ठीक है, तो इधर फैक्ट्स में क्या दी गई है कि जेड एक जर्नी पर जा रहा है. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर इस बार आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए. एक आंसर टिक किया हुआ है पर शायद वो सही ना हो, तो अपने हिसाब से अपनी रीजनिंग लगाकर आंसर दीजिए, फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल आंसर. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए. ओके, और कोई आंसर्स? ठीक है, तो कोई रीजन देगा कि ऑप्शन बी क्यों करेक्ट आंसर है? ठीक है, ओके, तो कोई रीजन देगा आंसर के लिए? कोई भी आंसर के लिए रीजन देने की कोशिश कीजिए. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. तो हम यहाँ देख रहे हैं हाँ, बट और भी इंग्रेडिएंट्स है ना. जो समझ नहीं आ, क्वेश्चन पूछ रहा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो. कोई आंसर चेंज कर लिया? ओके, अनुराग कह रहा है कि उसने क्राइम कमिट किया है, पर हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि उसने क्राइम कमिट किया है कि नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है कि उसने थेफ्ट कमिट की है. तो क्राइम तो बहुत तरह की हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है उसने अप्रोप्रिएट किया हो या उसने कोई और क्राइम कमिट की हो. तो उसने थेफ्ट कमिट की है कि नहीं की है? ओके, तो थेफ्ट की एक रिक्वायरमेंट देखते हैं कि वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, थेफ्ट के लिए यहाँ कहा गया है हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट. आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट. क्या ये ऐसा करना चाहता है? इज ए डज ए वॉन्ट टू टेक द प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ जेड विदाउट हिज कंसेंट? अब देखिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो प्लेट है, वो किसकी पोजेशन में है? क्वेश्चन में दिया गया है, यानी फैक्ट्स में दिया गया है कि वो किसकी पोजेशन.
डेट की पोजेशन में है। फर्स्ट लाइन पढ़िए, तो अगर वो ऑलरेडी ए की ही पोजेशन में है और ए को पोजेशन में कैसे मिले, जेड की कंसेंट से मिली। ठीक है, जेड ने ए को दिया तो ए की पोजेशन में वो कैसे आई, जेड की कंसेंट से आई है। तो जब ए उस प्लेट को लेकर जाकर बेचता है तो वो थेफ्ट नहीं कमिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्लेट उसकी पोजेशन में ऑलरेडी थी। ठीक है, थेफ्ट के लिए ये जरूरी होती है कि जिससे चोरी की जा रही हो, जिससे थेफ्ट हो रही हो, वो चीज उसकी पोजेशन में ना हो। ए जो कर रहा है उसे हम मिस अप्रोप्रिएशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ए के पोजेशन में कुछ, हाँ तो वो क्राइम है अनुराग, पर वो थेफ्ट की क्राइम नहीं। ठीक है, कौन सी क्राइम है? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। ऐसा सिचुएशन जहां आपको ट्रस्ट करके कोई चीज दी जाती हो और आप उसे लेकर कहीं और देते, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो मैं इस सेक्शन को आपको भेज रही हूँ, ये देखिएगा। ये देखिए, तो थेफ्ट के लिए जरूरी है कि वो आपके पोजेशन में ना हो, और अगर आपके पोजेशन में है भी तो आपने आपने किसी से उसकी कंसेंट के बिना उसे अपने पोजेशन में लिया। ठीक है, तो जैसे ही जेड किसी चीज को ए के पोजेशन में अपने से देता है तो थेफ्ट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो। उसका ये मतलब नहीं है कि जेड के पास कोई और ऑप्शन नहीं है ए के खिलाफ प्रोसीडिंग करने की। वो फिर कह सकता है कि ए ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की है, क्योंकि जेड ने उसे दिया था जो प्लेट था, जेड ने उसे बहुत पर्टिकुलर पर्पस से दिया था और उसने जाकर उसे बेच दिया बिना जेड की परमिशन के, बिना जेड की कंसेंट। तो उसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जा सकता है, पर उसे थेफ्ट क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि वो उसकी क्योंकि वो ए के पोजेशन में ऑलरेडी था। या ए की इंटेंशन ये नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में ले। तो ये क्लियर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी पढ़ लो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो अब ऐसा लग रहा है ना कि ये सेक्शन जो फैक्ट्स दिए गए उस पर सेट होता है, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी दी गई, उसके पास कोई राइट नहीं है वैसे प्रॉपर्टी के ऊपर, पर उसने डिसऑनेस्टली उसे अपने यूज के लिए यूज कर लिया। ठीक है, ओके, तो अब जो होमवर्क अपलोड किया गया है वो आप लोग कर दीजिएगा। मैं ये लिस्ट ऑफ लीगल मैक्सिम्स है ये भी मैं क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास आप लोग 10 मैक्सिम्स पढ़ कर रखिएगा। ठीक है, हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मुझे प्राइमा फेशियल समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, तो प्राइमा फेशी मतलब कि ऑन फर्स्ट ग्लांस। तो
कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई सिचुएशन को देखती है, यानी कि सपोज आप मर्डर सीन पे खड़े हो, ठीक है, आपके सामने एक 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 जन खड़ा हुआ है चाकू लेकर, और उस चाकू में पूरा खून लगा है, और उसी के बगल में बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और वो बॉडी में उसी चाकू जैसा मार्क किया हुआ है। तो प्राइमा फसी यानी बिना किसी एविडेंस को देखे और एकदम फर्स्ट ग्लांस पर आप क्या सोचोगे कि उसने मर्डर किया, ठीक है। उसके बाद वो मैटर कोर्ट में जाएगी और फिर उस पर सुनवाई होगी और शायद कुछ अलग ही सामने आए, पर एकदम फर्स्ट लुक पर बिना किसी और चीज को कंसिडर किए सिर्फ देखकर जो आपका इम्प्रेशन बनता है। हाँ बोलो। मैम मतलब वो पर्सन जो क्राइम होते हुए देखता है, मतलब थर्ड नहीं, पर्सन। नहीं नहीं, वो तो आपका विटनेस हुआ ना, आई विटनेस। वो इम्प्रेशन जो ओके क्रिएट होती है, ठीक है, आप कोई भी सिचुएशन को जब देखते हो, सपोज ऐसा ही हुआ कि आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप 10 मिनट्स लिए क्लास में घुसे और आप देख लो कि सब शोर कर रहे हैं, सब जिसको जो मन है कर रहे हैं, और सामने टीचर नहीं बैठी हुई है, तो आप क्या सोचोगे कि वो फ्री पीरियड है। तो वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन आपके मन में बना कि क्योंकि लोग शोर कर रहे हैं और मैम मुझे दिखाई नहीं दे रही तो ये फ्री पीरियड होगा, उससे आपकी प्राइमा फसी इम्प्रेशन बोलते हैं। तो बिना किसी से बात किए, बिना कुछ जाने, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर्म होता है उससे प्राइमा फसी कहते हैं, ठीक है। ओके ओके देन, तो मैं वो लीगल मैगजीन्स का शीट अपलोड कर दूंगी, उसमें अराउंड 170 मैगजीन्स है, नहीं 117 है। तो आप लोग एक क्लास के पहले 10 ही कीजिएगा, रीड कीजिएगा, कोई भी टर्म नहीं समझ आने से बताइएगा, और जैसे आज डाउट्स डिस्कस भी किए और पेपर भी डिस्कस किया, वैसे ही नेक्स्ट क्लास हम लोग पहले पेपर के साथ एक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, बाकी के जो डाउट्स है वो डिस्कस करेंगे, और फिर और भी कोई भी डाउट्स होने से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके और आज भी जो समझाया उसके बारे में अगर आप कुछ पढ़ो, अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और कोई डाउट हो तो वो हमें मेल कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।